हेलो एवरीवन, मैं वैष्णवी दी कॉम्पिटिटिव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है 14 जुलाई। 14 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी काइंड ऑफ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो कप फाइनल किस टीम ने जीता है? तो यूरो कप फाइनल इटली की टीम के द्वारा जीता गया है। अभी यूरो कप ही क्या, तो यूरो कप का फुल फॉर्म है यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, और यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब इटली ने जीता है। अब इटली ने से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसने काफ़ी कितने टाइम बाद ये कप जीता है। तो इटली ने 1968 में पहली बार ये कप जीता था, और 1968 के बाद अब ये कप जीता है, यूरो कप इटली के द्वारा ये जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, हाल ही में नेपाल के नए पीएम कौन बन गए हैं? तो हाल ही में नेपाल के नए पीएम शेरबहादुर देउबा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, भारत सरकार ने हाल ही में किस मंत्रालय में एक नए विभाग को जोड़ा है? तो भारत सरकार के द्वारा हाल ही में किस विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन लाने का निर्णय लिया गया है? तो ये सार्वजनिक उद्यम विभाग जो है DPE, इसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया जाने का निर्णय लिया गया है। अब DPE पहले भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय था, उसके अंतर्गत आता था, लेकिन अभी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। और इससे एक बात और बता दूं मैं कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इससे पहले 5 विभाग पहले ही काम कर रहे थे, अब ये 6ठा विभाग हो जाएगा जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। तो इसमें विभाग कौन कौन से हैं, कई बार एग्जाम में नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ। पहला है आर्थिक मामलों के विभाग, दूसरा है व्यय विभागीय विभाग, तीसरा है राजस्व विभाग, चौथा है निवेश और सार्वजनिक संपत्ति, और चौथा है निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, पांचवा है वित्तीय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, और छठा भी हाल ही में होने वाला है हुआ है सार्वजनिक उद्यम विभाग। अब ये सारे जो विभाग हैं 6 के 6, ये सारे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अब वित्त मंत्रालय से एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारे देश की केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो ये निर्मला सीतारमण है, इनका नाम हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, किस राज्य सरकार ने 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करने का निर्णय लिया है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा लिया गया है। देखिए अभी WHO के द्वारा और कई संस्थानों के द्वारा तीसरी लहर की घोषणा की गई है कि हमारे देश में तीसरी लहर भी आ सकती है COVID-19 की। तो ये सब देखते हुए सतर्कता बरतते हुए सरकार के द्वारा हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो खेलो इंडिया गेम्स नवंबर दिसंबर में होने वाले थे उन्हें हम आगे बढ़ा देते हैं, और ये अब 2022 में होंगे। स्पोर्ट्स पर्सन का भी ध्यान रखा गया है, तो अब जो ये गेम्स होंगे वो 2022 तक के लिए डिले कर दिए गए हैं। अब ये सारे गेम 2022 में किए जाएंगे, हरियाणा सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि हाल ही में इथियोपिया के में जो चुनाव चल रहे थे उसमें भारी मतों से जीत किसने हासिल की है? तो अबी अहमद की जो सरकार है उसने भारी मतों से जीत हासिल की है। इथियोपिया की बात कर ले तो इसकी राजधानी अदिस अबाबा है, मुद्रा इथियोपिया बिट है। तो ये याद रखना है। आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं, हम कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए काइंड ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई हमारी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और तुरंत वीडियो देख सके। आज के क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां जाकर हमसे जुड़ सकते हैं और आज के क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।